खबर महोबा से है, जहां पर सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड में जहां पेयजल की त्राहि त्राहि मचना तय है, वहीं जिम्मेदारों द्वारा बेला सागर के पानी को भूमियाफियों के हाथों में बेचने का घोर धंधा फल फूल रहा है। सूखे बेला ताल के सैकड़ों एकड़ भूमि पर अवैध फसलें लहलहा रही हैं, जिसकी सिंचाई में इसका पानी खूब बेचा जा रहा है। जब से इस फसल की बुआई हुई, तब से ही कल्लू रैकवार सहित दर्जनों ग्रामीणों तहसील दिवस में इसके विरुद्ध कार्रवाई की मांग करते आ रहे हैं, किंतु कार्यवाही के नाम पर आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिलता। अब जबकि फसल पक कर तैयार होने को है, तब भी प्रशासन सुविधा शुल्क के दबाव में कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधे हुए है। एजेड न्यूज के लिए महोबा से आशीष अग्रवाल की रिपोर्ट। खबर मुगलसराय से, जहां जीआरपी टीम के चेकिंग के दौरान एक युवक के पास भारी मात्रा में चांदी के बने आभूषण बरामद किए गए हैं। बरामद ज्वेलरी की अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की गिरफ्त में आए हुए ये तस्कर यूपी के आगरा का निवासी है और ये तस्कर 46.282 ग्राम की बनी ये विभिन्न आभूषण की खेप लेकर आगरा से पटना जा रहा था, जहां इन आभूषणों को ऊंचे दामों में बिक्री कर दिया करता था। तभी प्लेटफॉर्म चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिलहाल पुलिस युवकों से पकड़कर पूछताछ कर रही है और संबंधित विभाग को अवगत करा चुकी है। एईजेड न्यूज के लिए चंदौली से अशोक जायसवाल की रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन मुगलसराय पर प्लेटफॉर्म नंबर 1-2 पर चेकिंग की जा रही थी कि संदिग्ध व्यक्ति जिसका नाम नीरज ठाकरे, उसको रोका गया और उसकी तलाशी ली गई, तो उसके कब्जे से 46 केजी पायल के रूप में चांदी के जेवरात बरामद हुए। तो मौके पर कागज मांगा गया तो नहीं दिखा सका। इसकी जांच हेतु वाणिज्य कर अधिकारी बनारस को फोन से सूचित करके मौके पर बुलाया गया है और नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्रवाई की जाए। ये कहां से कहां ले जा रहा था? यह व्यक्ति आगरा से पटना की ओर जा रहा था और बताया कि मैं आगरा से माल लेकर पटना ले जा रहा था। नाम पता पूछने पर ज़्यादा कुछ नहीं बताया, कहा कि आवश्यकता पड़ने पर मैं बताऊँगा। कोई कागजात न होने के कारण संदिग्ध तस्करी का लगा, इसलिए वाणिज्य अधिकारियों को बुलाया।